हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन अंजुम्स किचन। मैं हूं आपकी होस्ट अंजुम। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूं कच्चे कीमे के कबाब की रेसिपी, जो बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनते हैं और खाने में बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाएं, मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। ये आधा किलो कीमा है, जिसे धोकर आधा घंटे के लिए छलनी में रख दिया था, तो इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल गया है। तो अब हम इसमें मिलाएंगे मसाले। तो यहाँ पर मसाले में है 1 टेबलस्पून भुना कोटा ज़ीरा, 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार, 3 टेबलस्पून बेसन और 3 टेबलस्पून चावल का आटा है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप इसे डालेंगे तो कबाब क्रिस्पी बनेंगे। 1 नींबू का रस है, 1 टेबलस्पून भुना कुटा खड़ा धनिया है, अगर इसे भूनकर डालेंगे तो कबाब में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट है, और ये है 1 टेबलस्पून कच्चे पपीते का पेस्ट। ये मीट टेंडर का काम करता है, अगर ये आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप कचरी का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर वो भी ना हो तो आप 3 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दें, उससे भी गलावट का काम हो जाता है। ये 3 टेबल हरी मिर्च हैं, जिन्हें बारीक चॉप कर लिया है, और ये पुदीना और हरा धनिया है, जिन्हें बारीक चॉप कर लिया है। ये एक बड़े साइज का प्याज है, जिसे कद्दूकस कर लिया है और इसका पानी निकाल लिया है। तो हम सारे मसाले कीमे में मिला देंगे। तो सबसे पहले डालेंगे सारे सूखे मसाले, बेसन डाल देंगे, चावल का आटा, अदरक लहसुन का पेस्ट, पपीते का पेस्ट, भुना कुटा धनिया, हरी मिर्च, प्याज। ये देखिए मैंने इसको किस तरह से इसका सारा पानी स्क्वीज कर लिया है, और धनिया और पुदीना। अब हम इन सबको हाथों से अच्छी तरीके से मिला लेंगे, ताकि सारे मसाले अच्छे से कीमे में मिल जाएं। अब इसमें नींबू का रस रह गया था मिलाने के लिए, तो यह हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से हाथों से मिला लेंगे। अब हम इसे 1 घंटे के लिए रख देंगे, ताकि मसाले का अच्छा सा फ्लेवर उतर जाए कीमे में। एक घंटे के बाद हम इसे कबाब का शेप दे देंगे, तो इस तरह से हथेली पे रख के कबाब का शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरह से, बस इसी तरह से बाकी के कबाब भी बना लेंगे। तो ये सारे कबाब बनकर तैयार हो गए हैं, तो हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर पैन में ऑयल डाल दिया था मैंने पहले से, हम इसे पहले मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए, और उसके बाद फ्लेम को लो कर देंगे हम, ताकि कबाब अंदर से भी अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। 3 मिनट के बाद हम इन सबको पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं, बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। तो हम इन सबको अब निकाल लेंगे, ये देखिए कितने क्रिस्पी दिख रहे हैं। तो ये सारे कबाब हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, तो हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो इस आसान से कबाब की रेसिपी को आप किसी भी फेस्टिवल या ओकेज़न पर बनाएं, या अगर आपने किसी को इनवाइट किया है तो आप एज ए स्टार्टर इसे बना लें, लोग आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। तो यहाँ पर कबाब में सर्व कर रही हूँ प्याज, पुदीना, नींबू और हरी चटनी के साथ। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाएं, मेरे चैनल को शेयर करें अपने रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।